झारखंड से बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। जी हां, झारखंड में अब बर्ड फ्लू की एंट्री हो गई है। रांची में एक मामला सामने आया है, रिम्स के निदेशक ने इसकी जानकारी साझा की है। तो अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड से सामने निकल करके आई है, जहां H3N2 यानी कि बर्ड फ्लू ने झारखंड में दस्तक दे दिया है। रिम्स के डायरेक्टर ने बताया कि रिम्स में एक सैंपल की जांच की गई है, उसमें बर्ड फ्लू पाया गया है। बच्चा 9 महीने का है और रामगढ़ का है। बर्ड फ्लू जानलेवा भी होता है, इसलिए इससे बचाव बेहद जरूरी है। अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार और आंख लाल हो तो बचाव की आवश्यकता है। जिस बच्चे में ये बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है उसके परिवार का सैंपल लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है और रामगढ़ के एक बच्चे में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। और अब बर्ड फ्लू के पुष्टि होने के बाद कहीं ना कहीं झारखंड के लिए एक रेड अलर्ट के तौर पर देखा जा रहा है। जो भी लोग सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित हैं, उन्हें अब एकदम सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि H3N2 बर्ड फ्लू का दस्तक झारखंड में हो चुका है। रिकवरी तो अब तो डिजीज के कोर्स पर, डिजीज कितना सीवियर होता है उस पर डिपेंड करता है। जाकर के बच्चे को आइसोलेट पे कर दिया, डॉक्टर साहब देख रहे हैं। रिकवरी तो अब तो डिजीज के कोर्स पर, डिजीज कितना सीवियर होता है उस पर डिपेंड करता है। जाकर के बच्चे को आइसोलेट पे कर दिया, डॉक्टर साहब देख रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता मदन का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, झारखंड में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, रामगढ़ के एक बच्चे में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। मदन, झारखंड के लिए इसे रेड अलर्ट के तौर पर देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अब तक कई बार हम सबों ने भी ये खबर सुना था कि बर्ड फ्लू का जो है प्रकोप आ चुका है और उससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन अब तक मरीज जो है वो डिटेक्ट नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा मौका है जब झारखंड में रामगढ़ के एक 9 महीने के बच्चे में जो है यह संक्रमण पाया गया है। इसी को लेकर के आज रिम्स प्रबंधन के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और जानकारी दी गई है कि ये जो है एक तरह से कहें तो सावधान होने के जो है मौके हैं लोगों को, क्योंकि इसका फैलाव ना हो। परिवार में अगर किसी भी तरह से लोगों को बुखार सर्दी खांसी होती है तो आइसोलेट होने की जरूरत है और जो पक्षी है उससे संपर्क में ना आए ताकि ये जो संक्रमण है उसका फैलाव हो। किसी भी तरह से लोग पहले ये जानते थे कि चिकन खाने से ही सिर्फ बर्ड फ्लू होते हैं, तो इस बात को अब एक तरह से इनकार किया जा सकता है कि 9 महीने के बच्चे जो हैं अगर इसमें संक्रमण पाए गए तो वो कहीं से भी चिकन का सेवन नहीं करते हैं और फिर भी उनके अगर ब्लड ये उनकी ब्लड जांच जो हुए उसके बाद अगर जो ये बर्ड फ्लू का संक्रमण पाया गया तो यह एक संकेत जरूर है, रेड संकेत कह सकते हैं कि उससे आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और ये पहला झारखंड में केस जो है वो रामगढ़ के 9 महीने के बच्चे के तौर पर सामने आया है। अब तक सिर्फ समाचार पत्रों में या फिर समाचार के माध्यम से लोग जानते थे कि बर्ड फ्लू का जो है फैलाव हो रहा है, इंडिया में भी कई जगहों पर केस मिले हैं, लेकिन यह झारखंड में पहला बच्चा है जो कि संक्रमित पाया गया है। मदन, आपने बताया कि पहले आमतौर पर ऐसा माना जाता था कि चिकन खाने से ही बर्ड फ्लू की जो संभावना है वो हो सकती है, लेकिन अब जो सिम्टम्स सामने आए हैं, सर्दी खांसी बुखार या फिर आंख अगर लाल हो तो भी आप बर्ड फ्लू की चपेट में आ सकते हैं, तो ऐसे में अब लोगों के लिए खतरा और भी बढ़ गया है मदन, और लोगों को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है अब? हाँ बिल्कुल, हमने बताया कि पक्षियों से किसी भी तरह से अगर आप संपर्क में आते हैं तो बर्ड फ्लू का जो है वो फैलाव हो सकता है। सिर्फ चिकन खाने से ही बर्ड फ्लू का फैलाव नहीं होता है, यह बात जो है स्पष्ट है। डॉक्टरों की राय भी यही है डॉक्टर कि पहले हम लोग सिर्फ ये जानते थे कि चिकन खाने से ही सिर्फ बर्ड फ्लू का फैलाव होता है, तो इसमें और सहने की क्या जरूरत है। तब उन्होंने बताया कि जो भी पक्षी हैं धरती पर अगर वो उनसे किसी भी तरह से हम संपर्क में आते हैं तो फिर बर्ड फ्लू का जो है संक्रमण उनके द्वारा फैला हो सकता है। तो ऐसे में अब सुरक्षित रहने के लिए जरूरत है कि पक्षियों के संपर्क में ना आए और जब भी किसी तरह के सिम्टम्स सामने आए यानी कि सर्दी खांसी बुखार आंख लाल होना अगर दिखाई दे तो फिर आप परिवार के और लोगों से दूर हो जाए। जिस तरह से कोरोना के समय में लोग अपने आप को आइसोलेट रखते थे, ठीक उसी तरह से इसमें भी आइसोलेट रखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें भी जान जाने का डर है। अगर ज्यादा इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण होता है तो फिर जान भी जा सकती है।
चलिए धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो झारखंड में अब बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, ऐसे में अब लोगों को बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। अगर इसके लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं, आपको महसूस होते हैं, तो जरूर डॉक्टर से संपर्क करें और सावधान और सतर्क रहें।